हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है किचन विद डबलजीत। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ देती हम पालक पनीर की सब्जी और बढ़िया तरीके से कैसे बना सकते हैं, और खाने में बहुत स्वादिष्ट बनती है और एकदम हलवाइटी जैसी बनती है। अगर आपने मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से दो चीज़ें, और मेरे चैनल पर जब से पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पालक तो चुन लेना, किलो पालक लिए है हमने, और पालक तो धो लेना चार पान पानी से। फिर हमने सुखाना चने रख देना है, जब सूख जाएगी फिर हमने पानी गर्म रख देना है चूचर में। अपने हिसाब से हमने पानी रखना है। मैंने तीन गिलास बड़े डाले हैं पानी से, गर्म होने चले रख लेंगे। फिर हम उतनी देर जो चीज़ें पड़ती हैं वो हम देख लेंगे उतनी देर। फिर हम पनीर लेंगे और मलाई लेंगे आधा कटोरी। फिर हम लहसुन और चार हरी मिर्च लेंगे, प्याज लेंगे तीन प्याज लेने हैं, और दो टमाटर लेने हैं हमने काट लेने हैं, बारीक भी नहीं काटने, और थोड़ा धनिया ले लेना है। जब पानी गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें पालक डाल लेंगे। जब सूख जाएगी पालक अच्छी तरह से फिर हम इसमें पालक डाल लेंगे, और पानी भी हमारा गर्म हो गया हुआ है। इसी तरह हमने सारी पालक तो डाल लेना है। फिर हम इसे दो तीन मिनट उबलने के लिए रख लेंगे, प्लेट से ढक देंगे। दो तीन मिनट हमने उबालनी है, ज़्यादा नहीं उबालनी है। फिर हम ढाई मिनट बाद हम देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, अभी नहीं हुई है। फिर हम उतनी देर पनीर चाट लेंगे। पनीर हम मोटा मोटा हम चाटेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं हमने चाटना पनीर। इसी तरह हमने सारे पनीर तो चाट लेना है। फिर हम देख लेंगे एक बार पालक तो चेक कर लेंगे। पौने तीन मिनट बाद हम इसमें धनिया डाल लेंगे। और इसे मिक्स करते फिर हम इसे भी उबलने के लिए रख लेंगे। एक मिनट उबलने के लिए रख लेंगे। मीडियम फ्लेम पर रखा हमने उबालनी है। फिर हम नीचे उतार लेंगे। फिर हम इस छाननी में निचार लेंगे पालक को। तैयार है पालक, दो तीन मिनट ही हमने उबाली है पालक तो। इसी तरह हमने सारी पालक तो निकाल लेना है छाननी में। फिर हम इसमें ठंडा पानी डाल लेंगे। ठंडा पानी इसलिए डालते हैं ताकि जो पालक पक रही है वो बंद हो जाएगी पत्नी। फिर हम इसे ठंडे होने के लिए रख लेंगे। फिर हम इसमें संडे होने के लिए रख लेंगे पालक तो। अब हमारा पनीर भी चढ़कर तैयार है। फिर हम चढ़ाई रख लेंगे गैस पर। और एक बड़ा चम्मच हम घी का डाल लेंगे। जैसी घी हमने डालना है। फिर हम सबसे पहले इसमें लहसुन और हरी मिर्च हम डाल लेंगे। लहसुन और हरी मिर्च तो हम पहले भून लेंगे।
ये 2 मिनट, फिर हम इसमें प्याज डाल लेंगे जो हमने चाटा हुआ है, फिर हम टमाटर डाल लेंगे, फिर हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। फिर हम इसे प्लेट से ढक लेंगे, 4-5 मिनट रखेंगे भुनने के लिए। मीडियम फ्लेम पर अच्छा हमने भुनना है चढ़ते जो। फिर हम 2-3 मिनट बाद हम इसमें नमक डाल लेंगे आधा चम्मच, फिर हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से, फिर हम इसे ढक लेंगे। फिर हम इसमें जीरा डाल लेंगे, जीरे को मैश करते फिर डालना है, फिर हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से 3-4 मिनट बाद। बीच बीच में हमने हिलाते भी रहना है। फिर हम इसे प्लेट से ढक लेंगे। अच्छी तरह से भुनने देना है हमने चटते तो। फिर हम 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे चटते तो हमारा चटता भुनता तैयार है। फिर हम इसे निकाल लेंगे, एक पतीले में हम निकाल लेंगे। फिर हम मसाले से ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर, जब मसाला ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें पालक डाल लेंगे, पालक भी ठंडी अच्छा फिर डालनी है। फिर हम ग्राइंड कर लेंगे पालक और मसाले को, अगर हम भून कर मसाले को ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी ये सब्जी। फिर हम कढ़ाई रख लेंगे, उसमें सरसों का तेल डाल लेंगे, जितनी देर तेल गर्म हो रहा है उतनी देर हम ग्राइंड कर लेंगे पालक और मसाले को। अब हमने ग्राइंड कर लिया हुआ है, फिर हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, उसे मिला लेंगे अच्छी तरह से पालक में। अब तेल हमारा गर्म हो गया हुआ है, फिर हम इसमें पालक डाल लेंगे, पालक और मसाला हमने जो ग्राइंड किया हुआ है। फिर हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। इसी तरह हमने सारी पालक तो डाल लेना है जो ग्राइंड की हुई है। फिर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हम इसमें आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी हमने डाल लेना है, पूरा 1 गिलास नहीं हमने डालना, थोड़ा कम डालना है 1 गिलास से। उसी मिक्सी में हमने पानी डाल लेना जिसमें हमने ग्राइंड किया है। फिर हम वो पानी पालक में डाल लेंगे, फिर हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। फिर हम प्लेट से ढक लेंगे, मीडियम फ्लेम पर रखना है। 2-3 मिनट हम इसे पकने देंगे पालक को, 2-3 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। अगर हम ज़्यादा उबालते पहले पालक तो फिर हमारी पालक का रंग काला हो जाना था। 2-3 मिनट अगर हम उबालेंगे पालक तो फिर हमारी पालक का रंग काला नहीं होगा। फिर हम मक्खन डाल लेंगे, फिर हम इसमें मलाई डाल लेंगे, आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो, मैंने फ्रेश मलाई मैंने डाली है फर्नीचर, आप क्रीम भी डाल सकते हो मलाई की जगह पर। फिर हम इसे मिला लेंगे, फिर हम इसमें पनीर डाल लेंगे, फिर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे पनीर तो पालक में।
जैसे हमारी पालटना जितना बढ़िया बन जाते तैयार हुई है, जितना अच्छा रन आया हम प्लेट से ढक लेंगे। 2 मिनट हम इसे ढकने देंगे, पकने देंगे। फिर हमें 2 मिनट बाद देख लेंगे हमारी पालट बन जा तैयार है। इतना बढ़िया रन आया, खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रही है। ऐसी ऐसी रेसिपी से सब्जी बनाइए जाओ, साइए जाओ, तो मैं हमें जरूर बताइए जाती कैसी बनी है। एकदम हलवाई जैसी बनी है यह सब्जी। फिर हम जैसे बन चलें ढक लेने, मिलते हैं तो नई वीडियो में ऐसी। तब तक लिए बाय बाय गाइस।